नमस्कार, मैं लखन सालवी और आप देख रहे हैं डेली राजस्थान। डेली राजस्थान की आज की रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं गोगुंदा पंचायत समिति क्षेत्र की 32 ग्राम पंचायतों के सरपंच उम्मीदवारों के बारे में। जी हाँ, राजस्थान पंचायती राज चुनाव के तीसरे चरण में यानी कि 6 अक्टूबर को मतदान होने वाले हैं। इसी के तहत उदयपुर जिले की गोगुंदा पंचायत समिति की 32 ग्राम पंचायतों के पंच सरपंचों के मतदान होने जा रहे हैं। आपको बता दें कि गोगुंदा पंचायत समिति में पहले 26 ग्राम पंचायतें हुआ करती थी। पंचायती राज पुनर्गठन में यहाँ पर मदारडा, राव मादड़ा, सेमटाल, कुकड़ा का खेड़ा, पाडलो का चोरा व सूरजगढ़ नई पंचायतें बनी हैं। इन 6 पंचायतों में पहली बार पंच सरपंचों के चुनाव होने जा रहे हैं। 32 ग्राम पंचायतों में सरपंच पदों पर कौन है प्रत्याशी और किन के बीच है कड़ा मुकाबला, हम आपको इस रिपोर्ट में बता रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं अंबावा ग्राम पंचायत की। अंबावा में मीना गरासिया, जो कि पूर्व सरपंच छाजूराम गरासिया की पत्नी है और वो खुद पूर्व सरपंच है, वो इस बार पुणे चुनावी मैदान में है और वो सरपंच का चुनाव लड़ रही है। उनके सामने काली बाई, जो कि पंचायत समिति के कार्यक्रम अधिकारी पीओ जो है लक्ष्मण सिंह गरासिया, उनकी पत्नी काली बाई, वो यहाँ पर जो है टक्कर देती हुई नजर आ रही है। देवूबाई घमेती और प्रभुबाई, ये दो और प्रत्याशी भी यहाँ पर है। बात करें बगड़ुंदा ग्राम पंचायत की, तो बगड़ुंदा ग्राम पंचायत के खेड़ा गांव से पूर्व सरपंच रहे केसुलाल खेर की बेटी सुगना घमेती, वो यहाँ से चुनाव लड़ रही है। साथ ही मगनीबाई गमेती, जो कि भाजपा के युवा कार्यकर्ता दिलीप गमेती की माँ है और विधायक प्रताप गमेती की बहन है, वो यहाँ पर चुनाव लड़ रही है। इन दोनों के बीच में कड़ा मुकाबला होता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। बगड़ुंदा में कुल 3 सरपंच पद के प्रत्याशी हैं, जिनमें पुष्पा गमेती भी एक और है, लेकिन माना यह जा रहा है कि जो कड़ा मुकाबला है वो कहीं ना कहीं मगनी बाई और सुगना गमेती के बीच में होता हुआ दिखाई दे रहा है। बात करें चाठियागिड़ी ग्राम पंचायत की, चाठियागिड़ी ग्राम पंचायत में 2 उम्मीदवार है। कांग्रेस का जो समर्थन है वो मोखी गांव की वक्तुबाई को है। कांग्रेस पार्टी के तमाम कार्यकर्ता जो है वो मोखी गांव की वक्तुबाई गमेती के पक्ष में अपील कर रहे हैं वोट देने की, प्रचार कर रहे हैं। साथ ही बात करें भाजपा कार्यकर्ताओं की, तो वे तमाम गरावण गांव की अणछी गमेती के पक्ष में प्रचार प्रसार कर रहे हैं। तो एक तरीके से गांव के लोग, जो कांग्रेस बीजेपी जो पार्टियों से संबंधित लोग हैं, वो कांग्रेस के लोग मोखी गांव की वक्तुबाई के साथ है, वहीं बीजेपी के जो लोग हैं वो गरावण की अणछी बाई के साथ में है और प्रचार प्रसार जोरों पर चल रहा है। आपको बता दें चाठियागिरी ग्राम पंचायत में मोखी गांव आता है, चाठिया प्रॉपर गांव है, राणा गांव है, फूटिया गांव है और इसके साथ ही गरावण गांव भी इस गांव का ही हिस्सा है और यहाँ विकास की काफी जो है संभावना है, विकास के काफी काम यहाँ पर बाकी है जो होने हैं। छाली ग्राम पंचायत में भी 2 उम्मीदवार है। छाली ग्राम पंचायत की सरपंच पद की सीट एसटी पुरुष के लिए रिजर्व थी, ऐसे में यहाँ पर बागदड़ा गांव के गणेश लाल खेर भाजपा के समर्थन से चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं कांग्रेस का समर्थन थावरा राम गमेती के साथ है। दोनों ही ओर से कड़े प्रयास किए जा रहे हैं, दोनों के समर्थक लगातार गांवों में जाकर प्रचार कर रहे हैं। आपको बता दें कि इससे पहले बागदड़ा गांव को मादा, जब पिछली बार नई ग्राम पंचायत बनी थी तो बागदड़ा गांव को छाली से निकाल कर मादा में जोड़ दिया गया था, लेकिन ग्रामीणों की लगातार मांग के बाद बागदड़ा को वापस जो है छाली में मिला दिया गया और इसी के कारण जो है बागेला गांव के गणेश गमेती को, जो कि एक समाज सेवी है और वो यहाँ पर अपने समर्थकों अपने मित्रों के साथ में मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, घर घर जा रहे हैं। साथ ही थावरा राम गमेती के पक्ष में कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता खड़े हैं और वे भी यहाँ पर जो है प्रचार प्रसार कर रहे हैं। विजय बावड़ी ग्राम पंचायत में महिला की सीट है, एसटी महिला रिजर्व ये सीट है और यहाँ पर कंकुड़ी बाई और धन की बाई, धन की बाई भाजपा के समर्थन से चुनाव लड़ रही है, वहीं कंकुड़ी बाई जो है वो कांग्रेस के समर्थन से चुनाव लड़ रही है। भादवीगुड़ा के चैन सिंह राजपूत जो है वो पूरी तरीके से कंकुड़ी बाई के साथ है। साथ ही सुहावतों का गुड़ा के कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए तमाम कार्यकर्ता जो है वो विजय बावड़ी की सरपंच पद की उम्मीदवार
कंकुड़ी बाई के साथ में प्रचार प्रसार कर रहे हैं। वही पूर्व सरपंच नाहर सिंह देवड़ा धनकी बाई के साथ है। तमाम भाजपा के कार्यकर्ता जो है धनकी बाई के साथ प्रचार प्रसार कर रहे हैं। धनकी बाई ने हाल ही पुत्र को जन्म दिया है, हाल ही में उनकी डिलीवरी हुई और वो बहुत ज़्यादा चुनाव प्रचार नहीं कर पा रही है, लेकिन पार्टी के जो लोग हैं वो तमाम जो है इनके लिए प्रचार प्रसार कर रहे हैं। बात करें दादिया ग्राम पंचायत की, दादिया के मोटावीड़ा गांव के विधायक है, भाजपा के विधायक प्रताप गमेती मोटावीड़ा गांव के हैं और मोटावीड़ा गांव दादिया ग्राम पंचायत का एक गांव है। और इस बार दादिया ग्राम पंचायत के सरपंच पद की जो सीट है वो पुरुष के लिए रिजर्व है। ऐसे में यहाँ पर चार युवा चुनाव लड़ रहे हैं, जिसमें विधायक प्रताप गमेती का पुत्र चंद्रेश गमेती भी चुनाव लड़ रहा है। चंद्रेश गमेती के सामने भाजपा के ही पूर्व पंचायत समिति सदस्य किशन गमेती जो है वो चुनाव लड़ रहे हैं, वो सिवड़िया गांव के हैं। उसके साथ ही नंद किशोर गमेती, जो भी पहले भाजपा से ही बिलोंग करते थे, भाजपा के कार्यकर्ता ही रहे हैं, वो भी यहां से चुनाव लड़ रहे हैं। और चौथे उम्मीदवार है प्रेमलाल। हालांकि प्रेमलाल से अभी तक हमारी मुलाकात नहीं हो पाई है, ना उनका फोटो कहीं देखने को मिला है और ना ही वो कहीं अपने चुनाव का प्रचार करते हुए कहीं पर दिखाई दिए हैं। लेकिन यहाँ पर जो है तीन युवा, किशन गमेती, चंद्रेश गमेती और नंद किशोर गमेती, पुरजोर तरीके से यहाँ पर चुनाव प्रचार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। गोगुंदा की सबसे हॉट सीट है। गोगुंदा ग्राम पंचायत में भाजपा के लोग जो है वो विकास योजनाओं और विकास के कामों को लेकर जो है जनता के बीच जा रहे हैं और वोट की मांग कर रहे हैं। भाजपा के समर्थन से यहाँ पर कालूलाल गमेती चुनाव में खड़े हैं और भाजपा के तमाम कार्यकर्ता, चाहे पूर्व प्रधान पुष्कर तेली हो, यहाँ के दयालाल चौधरी हो जो पूर्व उप सरपंच रहे हैं, इनके साथ ही तमाम वरिष्ठ कार्यकर्ता और विधायक भी यहाँ पर काफ़ी ध्यान दे रहे हैं। गोगुंदा कस्बे में घर घर में, गांव गांव में जाके प्रचार किया जा रहा है, हर मोहल्ले में प्रचार किया जा रहा है। वहीं बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाए जा रहे हैं, हर घर के बाहर पेम्पलेट चिपकाए गए हैं। यहाँ पर एक तरीके से देखें तो दोनों ही राजनीतिक पार्टियां, कांग्रेस और बीजेपी, दोनों ही पार्टियों के कार्यकर्ताओं के द्वारा दोनों ही उम्मीदवारों के समर्थन में पुरजोर ताकत यहाँ पर लगाई जा रही है। और बात करें यहाँ पे कांग्रेस के समर्थन में, दूसरे प्रत्याशी यहाँ पर मोहनलाल गमेती है जो रामेश्वर चौधरी के साथ में काम करते हैं। रामेश्वर चौधरी पूर्व नेता प्रतिपक्ष रहे हैं और कांग्रेस के युवा कार्यकर्ता हैं। साथ ही कांग्रेस के तमाम जो लोग हैं, चाहे बड़े पदाधिकारी हो चाहे कार्यकर्ता हो, सभी मोहनलाल गमेती के लिए चुनाव प्रचार कर रहे हैं। आज लाल सिंह झाला, जो कि निवर्तमान देहात कांग्रेस जिलाध्यक्ष है, उन्होंने मोहनलाल गमेती के पक्ष में गोगुंदा के कस्बे में एक रैली निकालकर जो है समर्थन मांगा है, यहाँ के गांव वालों से, गोगुंदा की जनता से समर्थन मांगा है। बहरहाल यहाँ पर दोनों ही उम्मीदवारों के बीच कड़ी टक्कर देखी जा रही है। गोगुंदा के वोट बैंक की जो हम बात करें, तो पिछले चुनाव पे हम थोड़ी सी नजर डालते हैं पंचायत चुनाव में, तो यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के दो कार्यकर्ताओं ने पिछली बार चुनाव लड़ा था और दोनों ही कार्यकर्ताओं की बात करें तो एक को 1300 के समथिंग वोट मिले थे, वहीं दूसरे को 1200 के समथिंग, मतलब 2500 वोट एक तरफ गए थे। और तीसरे नंबर पर कांग्रेस के समर्थन से जो चुनाव लड़े थे उनको वो तीसरे नंबर पर रहे थे। ऐसे में इस बार और पिछली बार ये भी था कि सरकार जो है राजस्थान में भाजपा की थी, इस बार कांग्रेस की सरकार है, प्रत्याशी दो ही है, लेकिन देखने वाली बात यह है कि समर्थन जनता किसे देती है। तो यहाँ कुल मिलाकर कांटे की टक्कर देखी जा रही है, हर चौरे पर और हर व्यक्ति जो है इसी सवाल को लेके बातचीत कर रहा है कि आने वाले मतलब 6 अक्टूबर की शाम को परिणाम किसकी झोली में जाएगा। गोगुंदा की समीपवर्ती ग्राम पंचायत है जसवंतगढ़। जसवंतगढ़ का सरपंच का जो चुनाव है ये इस बार सुर्खियों में रहा है। यहाँ पर पूर्व सरपंच और कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष नारायण पालीवाल के समर्थन से खमाणी बाई चुनाव लड़ रही है। खमाणी बाई रत्ना तलाई की है और उसका पीहर अजयपुरा गांव में है, यानी अजयपुरा और रत्ना तलाई ये दोनों ही गांव जसवंतगढ़ ग्राम पंचायत के हैं और ऐसे में इन दोनों गांवों से कहीं ना कहीं समर्थन खमाणी बाई को मिल सकता है। वहीं जो है हम बात करें
पूर्व सरपंच की, तो पूर्व सरपंच और ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष होने के नाते नारायण पालीवाल की अपने आप में एक फॉलोइंग है, और वो तमाम जो लोग हैं कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए वो खमानी बाई के पक्ष में समर्थन कर रहे हैं, वोटों के लिए प्रचार कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के नगर अध्यक्ष अशोक जोशी जो है वो चुनाव के प्रभारी भी हैं, और वो यहाँ पर चंपाबाई के पक्ष में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। एक तरीके से भाजपा के समर्थन से चंपाबाई जो है वो यहाँ पर चुनाव लड़ रही है। इन दोनों ही गुटों के बीच में कुछ झड़पें भी हुई है, विवाद भी हुए हैं। इस कारण पूरे इलाके में जसवंतगढ़ ग्राम पंचायत सुर्खियों में बनी हुई है, और इसी को लेकर यहाँ पर मजबूत पुलिस जाब्ता यहाँ पर लगाया गया है ताकि कानून और सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर बनी रहे। जाड़ोली ग्राम पंचायत में भाजपा के समर्थन से पद्माराम गमेती चुनाव लड़ रहे हैं, वहीं कांग्रेस के समर्थन से यहाँ पर काशीराम गराशिया चुनाव लड़ रहे हैं, वहीं तीसरे उम्मीदवार यहाँ पर गणेश लाल गमेती है। काछवा की बात करें, काछवा में 3 उम्मीदवार है और तीनों भाजपा के कार्यकर्ता रहे हैं। कन्हैया लाल गमेती जो किसी न किसी तरीके से भाजपा के की तरफ ही उनका झुकाव है, जो पोस्ट ऑफिस में काम करते थे, पोस्टमैन थे, रिटायरमेंट के बाद में वो संविदा पे जो है पोस्ट ऑफिस में काम कर रहे थे, और अभी इस चुनाव में उन्होंने सरपंच बनने के लिए उम्मीदवारी जताई और वो चुनाव प्रचार कर रहे हैं, जो वो दोड़ी घाटी के हैं। साथ ही तेजूलाल गमेती जो यहाँ के पूर्व सरपंच है, इस बार पुणे उन्होंने उम्मीदवारी जताई है, चुनाव लड़ रहे हैं, फूल फकीरों का वास के पास के ही वो रहने वाले हैं। साथ ही तीसरा उम्मीदवार यहाँ पर रेखा गमेती है। रेखा गमेती के ससुर अंबालाल गमेती का ग्राम पंचायत क्षेत्र में अच्छा सेवा का कार्य रहा है और काफी लोग उनसे जुड़े हुए हैं। ऐसे में तीनों के बीच यहाँ पर भी कड़ा मुकाबला है। मादा ग्राम पंचायत में मोहनी बाई कांग्रेस के समर्थन से चुनाव लड़ रही है, वहीं वेतकी बाई को भाजपा का समर्थन मिल रहा है। ये दोनों ही उम्मीदवार गांव गांव में जाके प्रचार कर रहे हैं। वेतकी बाई जो है पहले छाली ग्राम पंचायत की सरपंच भी रही है, मादा उसके बाद में अलग ग्राम पंचायत बन गई, तो इसके बाद इस बार वापस वेतकी बाई यहाँ से चुनाव लड़ रही है। मादड़ा में चंपा बाई गराशिया, रतुड़ी बाई व पेमली बाई जो है वो सरपंच का चुनाव लड़ रही है। पूर्व सरपंच की दादी है पेमली बाई, जो इस बार मादड़ा ग्राम पंचायत से चुनाव लड़ रही है। बात करें मजावद की, मजावद में पूर्व सरपंच निर्मला गमेती ने इस बार फिर से दावेदारी की है, वो चुनाव लड़ रही है। साथ ही उसके सामने लहरी बाई और होमली बाई, मजावद में कांग्रेस के समर्थन से होमली बाई चुनाव लड़ रही है। मजावड़ी में टिपुड़ी बाई कांग्रेस के समर्थन से चुनाव लड़ रही है, वहीं कमला बाई बीजेपी के समर्थन से चुनाव लड़ रही है। ये स्पष्ट है कि गांवों में और पंचायती राज में कोई सिंबल के ऊपर चुनाव नहीं लड़ा जाता है, इसमें कांग्रेस बीजेपी नहीं होता है, लेकिन कहने को नहीं होता है, वास्तव में तो होता है। तो टिपुड़ी बाई को कांग्रेस का समर्थन मिल रहा है, वहीं कमला बाई को बीजेपी का पूरा समर्थन है। यहाँ पर तीसरी उम्मीदवार और है मीरा बाई, जो मजावड़ी गांव की ही है और वो भी जो है दावेदारी कर रही। मोड़ी में कमली बाई और प्रेमी बाई के बीच मुकाबला है। बताया जा रहा है कि छिपाला गांव का समर्थन जिसे पुरजोर तरीके से मिलेगा वो कैंडिडेट यहाँ पर विजयी हो सकता है। मोरवल में कमला बाई व भूरी बाई के बीच में मुकाबला है। भूरी बाई जो है पूर्व पंचायत समिति सदस्य रही है और कांग्रेस का पूरा समर्थन उनको मिल रहा है। इसके साथ ही कमला बाई जो है वो पूर्व सरपंच अंबालाल गमेती की भतीजे की बहू है, तो पूर्व सरपंच जो कि बीजेपी से समर्थित है, और कमला बाई के पक्ष में भाजपा के तमाम लोग चुनाव प्रचार कर रहे हैं, जिताने की कवायद जारी है। नाल ग्राम पंचायत में विधायक प्रताप गमेती के दामाद कमल गमेती चुनाव लड़ रहे हैं। साथ ही उनके सामने कोगाराम गमेती है, जो कुंडला गांव के हैं, और इन दोनों के बीच भी कड़ा मुकाबला नजर यहां आ रहा है। ओबरा कला में जेताराम गमेती, तोताराम गमेती व नरेश कुमार गमेती के बीच में मुकाबला है। वहीं पड़ावली कला में पूर्व सरपंच राजाराम गमेती ने इस बार फिर से दावेदारी की है। पूरे भाजपा के कार्यकर्ता ओम सिंह खरवड़, जो पहले उप सरपंच रहे, उनके नेतृत्व में तमाम भाजपा कार्यकर्ता राजाराम गमेती को चुनाव जिताने के लिए कवायद में लगे हुए हैं। वहीं इनके सामने हैं भंवरलाल गमेती को चुनाव जिताने के लिए गिरवर चौधरी जैसे कांग्रेस के युवा नेता के नेतृत्व में कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता लगे हुए हैं, घर घर जाकर प्रचार कर रहे हैं।
पड़ावली खुर्द में इस बार त्रिकोणीय मुकाबला होने वाला है। पड़ावली खुर्द में पूर्व सरपंच, चौथी बार सरपंच की दावेदारी उन्होंने की है, चौथी बार सरपंच का चुनाव लड़ रहे हैं देवीलाल दाइमा। दुर्गालाल गमेती चुनाव लड़ रहे हैं, वहीं पूनाराम गमेती एक और व्यक्ति है जो पहले ग्राम पंचायत में ही सुरक्षा गार्ड के रूप में काम करते थे और उन्होंने लोगों के काफी काम किए और इस किए गए काम के आधार पर वो जनता से वोट मांग रहे हैं। पाटिया की बात करें, पाटिया में पूर्व सरपंच रहे देवीलाल गमेती चुनाव लड़ रहे हैं। देवीलाल गमेती की पत्नी इससे पहले सरपंच रही है। इस बार उनके सामने चार कैंडिडेट और खड़े हुए हैं, शंकरलाल गमेती, शांतिलाल गमेती और बंसीलाल गमेती और ललित कुमार गमेती। ये चार लोग यहाँ पर और हैं जो यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं और दोनों ही पार्टियों के लोग इन दोनों को अलग अलग तरीके से चुनाव प्रचार कर रहे हैं, समर्थन इनका कर रहे हैं। रावलिया कला में लीला गमेती और हंसली गमेती के बीच मुकाबला है। वहीं समीजा में पूर्व सरपंच तेजपाल गमेती के परिवार से महिला चुनाव लड़ रही है। नारायण देवी खराड़ी और रत्नी बाई कथारिया से हैं। नारायणी देवी खराड़ी और निर्मा देवी जाबुआ से ये तीनों भी यहाँ पर चुनाव लड़ रही है। वास में इस बार चार महिलाएं हैं उम्मीदवार है, मंजू गमेती, रेखा गमेती, प्रियंका मीणा व नवली गमेती। तो इनमें से तीन उम्मीदवार वो केलथरा गांव से हैं, मंजू गमेती, रेखा गमेती और प्रियंका मीणा, ये केलथरा गांव से हैं। वहीं नवली गमेती वास की है। ऐसे में वास बड़ा गांव है, बड़ा वोट बैंक है, ये वोट बैंक किधर जाता है, इस वोट बैंक से जो है जीतने के आसार बनेंगे। वीरपुरा ग्राम पंचायत की बात करें, यहाँ पर कालूलाल भील जो पूर्व सरपंच है वो इस बार फिर से दावेदारी उन्होंने की है और भाजपा का समर्थन है इन्हें। सामने धनराज गमेती चुनाव लड़ रहे हैं और जो कि आमरी के हैं और आमरी गांव वीरपुरा से दूर है, वीरपुरा का अपना एक वोट बैंक है। तो यहाँ पर एसटी का वोट बैंक तो दो तरफ बटा हुआ है ही है, लेकिन जो गैर आदिवासी है उनका वोट बैंक किधर जाएगा वो एक देखने वाली बात होगी। नवगठित ग्राम पंचायत कुकड़ा खेड़ा में पहली ही बार में चार लोगों ने दावेदारी जताई है। यहाँ देवीलाल, पन्नालाल, प्रकाश और सज्जन ये चार उम्मीदवार है और इनके बीच में दो के बीच में कड़ा मुकाबला यहाँ है। नवगठित ग्राम पंचायत है सूरजगढ़ और यहाँ पर तीन महिलाएं हैं, थावरी बाई, रूपली बाई और चंपा बाई। मदारडा में लीला गमेती जो बादवी गुड़ा की है और विधायक प्रताप गमेती की पुत्री की जेठानी है वो चुनाव लड़ रही है। मदारडा नवगठित ग्राम पंचायत है, यहाँ पर केशवपुरा की केसर गमेती जो है वो कांग्रेस के समर्थन से चुनाव लड़ रही है और भादवीगुड़ा के चैन सिंह राजपूत जो है वो केसर गमेती का पुरजोर समर्थन कर रहे हैं। वहीं पूरी भाजपा की जो टीम है वो पूर्व उप प्रधान पप्पू राणा भील के नेतृत्व में भाजपा की पूरी टीम जो है वो लीला गमेती को चुनाव जिताने के लिए प्रयास में लगी हुई है। नवगठित ग्राम पंचायत सेमटाल है, सेमटाल में कन्हैयालाल गमेती, लहरीलाल गमेती व मोतीलाल गमेती इन तीन के बीच में मुकाबला है। राव मादड़ा भी नवगठित ग्राम पंचायत है और राव मादड़ा ग्राम पंचायत में भावना गमेती और लेर की बाई के बीच में मुकाबला है। वहीं पाड़लो का चोरा में, पाड़लो का चोरा आपको बता दें नवगठित ग्राम पंचायत है जो अंबावा और पड़ावली कला के बीच में इंटीरियर पहाड़ियों के बीच में ये पाड़लो का चोरा है। वहां पर कांग्रेस के समर्थन से कांग्रेस के कार्यकर्ता है, सक्रिय कार्यकर्ता बाबूलाल गमेती जो कि सामाजिक कार्यकर्ता भी है और वो यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं, भारी समर्थन उनको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। भाजपा के समर्थन से लक्ष्मण गराशिया चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं तीसरे उम्मीदवार और है वालाराम, ये तीन उम्मीदवार यहाँ है। 32 ग्राम पंचायतों के लिए कुल 87 उम्मीदवार है और इनमें देखा जाए तो 45 महिलाएं व 42। चुनाव जीतने का जो है सपना किसका पूरा होगा, परिणाम में उम्मीदें किसकी जो है पूरी होगी, ये 6 अक्टूबर की शाम को हम आपको बताएंगे। कैसी लगी ये रिपोर्ट? अब आपको इंतजार है चुनाव के परिणामों का। हम चुनाव परिणामों के साथ फिर हाजिर होंगे 6 अक्टूबर की शाम को। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। साथ ही ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें।